लोजपा तो एक ही है, लोजपा दो चिराग पासवान जी भी हमारे लोजपा के सांसद, जब तक सूरज चांद रहेगा रामलीला जी का नाम। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल भारद्वाज और आप देख रहे हैं देश जी न्यूज। पारस गुट वाली लोजपा के केंद्रीय संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद लोजपा सांसद वीना देवी आज पहली बार पटना पहुंची और उसके बाद पटना पहुंचने के बाद लोजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया, बड़े बड़े फूल मालों से उनका स्वागत किया गया और उसके बाद वो पार्टी दफ्तर पहुंची और वहां पे उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया और पत्रकारों को संबोधित करने के दौरान उन्होंने कहा कि हम पार्टी को मजबूत करने पे काम करेंगे। जिस तरह से चिराग पासवान लगातार आशीर्वाद यात्रा के द्वारा अपने समर्थकों में विश्वास बना रहे हैं, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि हम भी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और हर बूथ पे जब हमारे कार्यकर्ता होंगे तभी हम चुनाव जीत पाएंगे। और क्या कुछ कर रहे हैं लोजपा सांसद वीना देवी, आइए हम आपको सुनाते हैं। पहली बार आप आई हैं, प्लानिंग आपने क्या-क्या किया है आगे के लिए? आगे के लिए पार्टी के विस्तार करूंगी, पार्टी में काम करूंगी और जितने भी यहाँ आए हुए हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार भाइयों, हमारे सभी जनता, सभी पदाधिकारी को सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और बधाई भी देती हूँ कि आप लोग इतने कड़े धूप में आधा घंटा मैं लेट हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि जब मैं चुनाव लड़ी तो NDA गठबंधन में चुनाव लड़ी, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय हमारे पशुपति पारस कुमार जी, हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी, सभी लोग मिलके हम लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी में हैं। पार्टी आगे कैसे बढ़े उसके लिए तत्पर मैं रहूंगी और जी भी, और जनता की यही कहना है कि आप लोग पार्टी के मजबूत कीजिए, पार्टी में संगठन को मजबूत करेंगे, जब एक एक बूथ पर हमारा लोग रहेंगे तभी हम चुनाव जीतेंगे। महिलाओं के लिए क्या लोजपा तैयारी कर रही है? महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारी योजना है, बहुत सारे काम है। अभी तो नई पार्टी है, इसको गठन करके महिला लोग को भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जनता में कंफ्यूजन है, दो लोजपा हो गई? नहीं, लोजपा तो एक ही है, लोजपा दो थोड़े हो सकता है, लोजपा एक मैं लोजपा के सांसद हूँ, सभी लोग लोजपा के सांसद। चिराग पासवान जिस प्रकार से आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं, जन समर्थन मिल रहा है, कहीं ना कहीं इस विंग्स को कहीं से घाटे का तो सौदा नहीं करना पड़ सकता है? कोई घाटे का हम लोग का कोई घाटे का सौदा नहीं है, कोई सौदा क्या हुआ है जो हम घटा हुआ। चिराग पासवान जी भी हमारे लोजपा के सांसद हैं, जैसे मैं वैसे भी भी सांसद हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको मानते हैं? हम तो मानते हैं पशुपति, नहीं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं पशुपति कुमार पारस जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि पार्टी का सिंबल मेरे पास है, वो तो पता चल जाएगा 12 तारीख के वो मेरे पास आ रहे हैं। अब आप कैसे रहेंगे, अभी कैसे है वो, अकेले सिंगल कैसे बन जाएंगे, कौन बनाया उनको? रामविलास पासवान जी का वर्षी मनाया जा रहा है पूरे देश से, सब लोग नेता है, क्या आप लोग के साथ जुड़िएगा? एकदम जुड़ेंगे, सूचना हुआ तो एकदम जुड़ेंगे, मेरे पार्टी के संस्थापक है, उनको कौन भूल सकता है, जब तक सूरज चांद रहेगा रामविलास जी का नाम। अभी तो मैं मुजफ्फरपुर जा रही हूँ, आने के बाद उनसे भी आशीर्वाद लूंगी, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बड़े हैं, हम लोग से सीनियर हैं। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो लोजपा सांसद वीना देवी हैं उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस हैं और चिराग पासवान जो हैं वो भी हमारे लोजपा के माननीय सांसद हैं, लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान लगातार दावे कर रहे हैं कि पार्टी सिंबल उनके पास है, तो उस पर लोजपा सांसद वीना देवी ने कह दिया कि ये 12 तारीख को पता चल जाएगा कि पार्टी सिंबल किसके पास है, लेकिन हमारे संस्थापक रामविलास पासवान जी ही रहेंगे। और उन्होंने कहा कि अभी मैं मुजफ्फरपुर जा रही हूँ और मुजफ्फरपुर से आने के बाद मैं नीतीश कुमार से भी आशीर्वाद लूँगी, क्योंकि वो भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं। और उन्होंने कहा कि जब तक सूरज चांद रहेगा रामविलास पासवान का नाम रहेगा, रामविलास पासवान जी को कभी भुलाया नहीं जा सकता, वो हमारी पार्टी के संस्थापक हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें देश डी न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश डी न्यूज़।